नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में। दोस्तों आज हम आपके लिए फार्मा सेक्टर का एक ऐसा पेनी स्टॉक आपके सामने लाए हैं, मात्र 35 रुपए का ये पेनी स्टॉक, जिसका फंडामेंटल देखिए तो काफी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ डेबिट फ्री है और ये काम क्या करती है, दवा मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लैब टेस्ट इक्विपमेंट्स भी बनाती है ये कंपनी। तो ये एक अच्छा सेगमेंट्स है इस कंपनी का और इसका बिजनेस मॉडल भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के फुल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और काफी सारे सेगमेंट्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां 800 प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और इसके साथ साथ ये 82 कंट्रीज में ये काम कर रही है लगातार। और 4 फैसिलिटीज देखने को मिला है इसका फैसिलिटीज, और इसके साथ साथ 50 मिलियन स्माइलर स्पीड देखने को लाइक मिला हुआ है। और इम्प्लॉयज की बात करें तो 2300 इम्प्लॉयज देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा देखिए सेगमेंट्स हैं इस कंपनी के। तो चलिए इसके फंडामेंटल की बात करें तो काफी स्ट्रांग है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप यहां देख सकते हो 1720 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका क्रेड प्राइस की बात करें तो मात्र 34 रुपए का यह पेनी स्टॉक देखने को मिला है, जिसका हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें तो 32 रुपए इसका लोएस्ट देखने को मिला है, वहीं हाई इसने 62 रुपए लगाया है अब तक का। वहीं स्टॉक पीई की बात करें तो काफी बेहतर देखने को मिला है, 22.4 है। बुक वैल्यू की बात करें तो मात्र 12 रुपए देखने को मिला है। इसने कोई ऐसा अब तक का डिविडेंट नहीं दिया है, छोटी सी कंपनी है। और जिसका आरओई की बात करें तो काफी बेहतर देखने को मिला है, 21.4, और आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.2 देखने को मिला है परसेंटेज। फेस वैल्यू 2 रुपए। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 36.7% है और इस कंपनी पे बिल्कुल डेट 0 देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट इसका 76 करोड़ का है और वॉल्यूम देखें तो काफी हाई देखने को मिला है, जो कि आप यहां देख सकते हो। इसके सेल्स की बात करें तो 1462 करोड़ का इसने सेल्स दिया है अब तक का, और यहां इस कंपनी पे मात्र 18 करोड़ का कर्ज है। और रिजर्व की बात करें तो आप यहां देख सकते हो 483 करोड़ का इसका रिजर्व है, लेकिन एक ईयर्स में कोई ऐसा रिटर्न नहीं दिया है दोस्तों। लेकिन इसका फंडामेंटल अब बहुत बेहतर है, स्ट्रांग है, तो आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। वहीं सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 11.0 है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 1.68 रुपया देखने को मिला है, जो कि एक बेहतर देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग देखने को मिला है, जो 2019 में जो होल्डिंग देखने को मिला है, वो अब तक का होल्डिंग देखने को मिला है, कहीं थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। आज की जून 2022 की होल्डिंग देखें तो 36.74% देखने को मिला है। वहीं फिल्स की होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि एक काफी बेहतर देखने को। डील्स की होल्डिंग में देखें तो डील्स की होल्डिंग में लगातार बढ़ता हुआ क्रम में देखने को मिला है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगातार आप देख सकते हो अप डाउन देखने को मिला है, लेकिन ये कोई ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिला है, मात्र 1-2% का अप डाउन देखने को मिला है। तो अभी तो इसका होल्डिंग पब्लिक का है 58.24% देखने को मिला है, जो कि एक काफी बेहतर देखने को मिला है। वहीं कंपनी का टोटल एसेट्स की बात करें तो आप यहां देख सकते हो लगातार बढ़ता हुआ क्रम में देखने को मिला है, जो कि एक काफी अच्छा संकेत देखने को मिला है। 1070 करोड़ का टोटल एसेट्स देखने को मिला है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हो ये कंपनी लगातार अपना रिजर्व को बढ़ाता हुआ क्रम में देखने को मिला है। मार्च 2022 तक 483 करोड़ का इसने रिजर्व बना लिया है। वहीं कंपनी का कर्ज की बात करें तो लगातार कम करता हुआ देखने को मिला है, मात्र 19 करोड़ का ये कर्ज है। तो मान लो ये आज ये बिल्कुल डेबिट फ्री हो चुकी है ये कंपनी। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार अपना सेल्स बढ़ा रखी है ये कंपनी, बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। जून 2022 की बात करें, मार्च 2022 की बात करें तो बढ़ता हुआ क्रम में देखने को मिला है। वही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी बेहतर देखने को मिला है, 14 करोड़ देखने को मिला है, 14-15 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो कि एक काफी अच्छे संकेत देखने को मिला है। एक छोटा सा ओपीएम में जो कि काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा संकेत निगेटिव संकेत देखने को मिला है। कंपनी का पेयर कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हैं सेक्टर जो है फार्मा सेक्टर है और इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स है, जो कि काफी अच्छा फॉर्मुलेशन है। और आप देख सकते हैं ये अभी 8वें नंबर पे ये ट्रेड कर रही है, 8वें नंबर पे है। कंपनी का बात करें, प्रोफाइल की बात करें तो आप यहां देख सकते हो कंपनी लगातार अपना कर्ज को रिड्यूस कर रही है और ये बिल्कुल डेबिट फ्री है। और ग्रोथ रेट की बात करें, पिछले 5 साल को 33.9% का
CAGR देखने को मिला है जो कि काफी बेहतर देखने को मिला है। वहीं निगेटिव पॉइंट की बात करें तो कोई ऐसा डिविडेंड ये नहीं दिया है, और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो फिलहाल लास्ट क्वार्टर में 1.64% देखने को मिला है। वहीं कंपनी की बात करूं, नाम बता दूं तो इस कंपनी का नाम है मॉर्फिन लेबोरेटरीज लिमिटेड, और ये देख सकते हैं इसका अबाउट में आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा इसका सेगमेंट है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि एक बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर एक बार खुद से जरूर एनालिसिस कर लें।